हेलो, कैसे हो आप लोग सब। आपका बहुत स्वागत है रेशमास किचन में। अभी दिवाली पास आ रही है तो मैंने सोचा आपके साथ में दिवाली का नाश्ता थोड़ा शेयर करूं। आज हम चूड़ा बनाएंगे। ये देखिए, मैंने नायलॉन पोहा ले लिया है 1 किलो इतना, और ये मैंने एक बड़ा पतीला गैस पे रख दिया है। फ्लेम हमें धीरे रखना है। इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि खाने में बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी सा लगे और टेस्टी टेस्टी लगे। तो हमें इसे फ्राई कर लेना है, कड़क कड़क कर लेना है हमें हमारे पोहे को। महाराष्ट्र में इसे बहुत खाया जाता है। मैं जब नागपुर में थी तो अक्सर दिवाली पर हम लोग यही बनाते थे नाश्ते के लिए। ये देखिए, मैंने 2 बड़ी कटी प्याज ले ली है और मैंने 7 से 8 हरी मिर्चियों को सुखो दिया था और कट कर लिया है। आप प्याज को भी सुखा सकते हैं काट के। हमें हमारे पोहे में करछी चलाते रहना है, नहीं तो ये थोड़ा सा जल जाता है। जरा इस पे धीमी धीमी आंच पे भूनिए इसे। ये चूड़ा हमें सफर में भी बहुत काम आता है। आप इसे सफर में ले जा सकते हैं, घर में कोई मेहमान आने को तब बना सकते हो, और इसे 10 से 15 दिन या 1 महीना तक आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये देखिए, हमारा भून के हो गया है पोहा। तो ये मैंने एक बड़े थाल में ठंडा करने निकाल लिया है और क्रंच क्रंच क्रिस्पी हो गया है हमारा पोहा। एक निवाला इसे खा के देखिए कि ये क्रिस्पी लगता है क्या। अब देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या डालेंगे। ये मैंने कटोरी सेंग दाने ले लिए है, कड़ी पत्ता ले लिया है, 1 कटोरी शक्कर ले ली है मैंने, थोड़ी राई, जीरा, थोड़े काजू ले लिए है मैंने, लहसुन काटा है, धनिया ले लिए मैंने थोड़े, देखिए हल्दी ले लिए है 2 चम्मच इतनी। स्वादानुसार हमें नमक ले लेना है और थोड़ी सौंफ ले लिया और गीला खोबरा ले लिया है। ये मैंने बालाजी का खट्टा मीठा चूड़ा ले लिया है, कटी हुई प्याज और थोड़ी हरी मिर्ची कट कर ली है हमने। ये देखिए, मैंने एक नॉनस्टिक की पैन लिया है, इसमें मैं तेल डालूंगी 2 कटोरी इतना। नागपुर में जब थी तब अक्सर मैं अपने सहेलियों के इधर जाया करती थी नाश्ता करने, फराड़ में के लिए ज्यादातर ये चूड़ा बनाते हैं। ये चूड़े की रेसिपी मैंने मेरे मम्मी से सीखी है, बहुत ही अच्छा लगता है, ट्राई करिएगा, फटाफट बन जाता है। ये देखिए, हमारा लगभग तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें राई डाल देंगे। अब हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे, जीरा भी डाल देना है हमें। हम इसे जरा देर होने देना है, पकने देना है इसे अच्छे से। देखिए, कड़ी पत्ता और हमारा जीरा राई हो गई है। अब हम इसमें सेंगदाने डाल लेंगे, इसे भी हमें थोड़े ब्राउनिश कर लेना है। देखिए, हमारे सेंगदाने थोड़े ब्राउन होने लगे हैं। अब हम इसमें कटी हरी मिर्ची डाल देंगे। इसे भी जरा देर भून लेना है, हमारी फ्राई कर लेनी है मिर्चे। जरा देर होने के बाद में इसमें मैंने ये गीला खोबरा डाल दिया है। अब हम इसमें सूखे धनिया डाल देंगे। अब हम इसमें लहसुन डाल देना है, कटा हुआ लहसुन, इसे भी जरा भून लीजिए, फ्राई कर लीजिए। सब गोल्डन ब्राउन कर लेना है हमें भून के, तभी हमारा चूड़े में सब क्रिस्पी और क्रंची लगेगा हमारा चूड़ा। अब हम इसमें 1 कटोरी दलिया डाल देंगे। दलिया डाल देना है हमें,
काजू डाल देने हैं हमें, सिर्फ रोस्ट कर लेना है हमें। जब तक ये सब मसाले हमारे रोस्ट होते हैं तब तक हम दूसरी बार जो प्याज तल लेते हैं। मैंने एक नॉनस्टिक की कढ़ाई चढ़ाई, इसमें तेल गरम करना है हमें। हमें इसमें प्याज डाल देनी है, हमें गोल्डन ब्राउन कर लेनी है प्याज को। हम इसे उस मसालों के साथ में इसके लिए नहीं तले इसे, क्योंकि इस पर क्रिस्पी लुक नहीं आएगा, क्रंची नहीं लगेंगे हमारी प्याज, इसलिए हम अलग से प्याज तल लेंगे। देखिए लगभग हमारा मसाला रोस्ट हो गया है। अब हम इसमें हल्दी डाल देंगे 2 चम्मच इतनी। अब इसमें नमक भी डाल देना है। जरा मुझे तेल कम लग रहा था तो इसलिए मैं थोड़ा इसमें जिसमें हमने प्याज तले थे वो वाला तेल डाल दूंगी इसमें मैं। ये देखिए हमारा सब मसाला रोस्ट हो गया है। अब हम इसे उतार लेंगे, हमें पतीला वापस से चढ़ा देना है जिसमें हमें पोहे जरा फ्राई कर लिए थे वो वाले, इसमें वापस से पोहे डाल देंगे हम। हमारी ऑनियन भी तल के हो गई है क्रिस्पी क्रिस्पी। सब पोहे डाल देने के बाद में अब हम इसमें मसाला डाल देंगे हमारा जो हमने रेडी करा था, सब फ्राई कर लिया था जो हमने। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमें गैस की फ्लेम कम रखना है। इसे मिक्स करते जाइए हल्के हल्के हाथों से। प्याज भी डाल देंगे हम इसमें जो हमने तल ली थी। अब हम इसमें शक्कर डाल देंगे हमारी, जरा मीठा भी टेस्ट है इसमें। सौंफ भी डाल देनी है हमें इसमें। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए हल्के हल्के हाथों से। गैस की फ्लेम कम रखिएगा। इसे स्टोर करके रखने के लिए हमें एयरपैक डब्बे में रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये थोड़ा चिम जाता है तो टेस्ट नहीं अच्छा आएगा बराबर से। एयरपैक डब्बे में बंद करके रखना इसे, तो 1 मंथ तक के भी ये ऐसा ही रहेगा। अगर आपके पास खसखस हो तो आप खसखस भी डाल सकते हैं, मैंने स्किप कर दी है अभी फिलहाल, मेरे पास नहीं थी इसके लिए। अच्छी तरह से इसे मिक्स करते रहिए जब तक कि हमारे चूड़े का कलर ना बदला जाए। ये देखिए मैंने बालाजी का खट्टा मीठा चूड़ा लिया है, इसके हम 4 पैकेट्स डाल देंगे। अगर आप ये चूड़ा नहीं डालना चाहते तो नहीं डाल सकते, पर मुझे अच्छा लगता है इसके लिए मैंने ये डाला है खट्टा मीठा चूड़ा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, रेडीमेड जैसा लगता है हमारा, फिर ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपको ये घर में बनाया हुआ चूड़ा है। जरा मुझे शक्कर कम लग रही थी तो इसलिए मैंने इसमें 3 चम्मच और शक्कर डालूंगी मैं। जरा तेल गरम कर लिया है मैंने, उसमें मैंने हल्दी और नमक डाला है, थोड़ा तड़का बना लिया है। अब हम ये इसमें डालेंगे ऊपर से। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारे चूड़े का कलर के साथ चेंज हो रहा है, हमारा दिवाली का फराड़ बनके तैयार हो गया है नाश्ता। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं या फिर आप 1 मंथ तक स्टोर करके भी रख सकते, कहीं सफर में ले जाने के लिए काम आएगा आपको, या फिर आपके घर मेहमान आए तब भी आप सर्व कर सकते। इंजॉय करिए हमारी रेसिपी।
अगर आपको हमारी ये दिवाली की रेसिपी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। मैं आपके लिए ऐसी नई नई और यूनिक रेसिपी लाती रहूंगी। बाय बाय दोस्तों।